मैं फिर आपको याद दिला देता हूं, डाउनलोड करने से किसी के अच्छे नंबर नहीं आते हैं, वो तो केवल एक किताबी पहलवान हुआ। जिस तरह से होते हैं ना, ज्ञानी दो तरीके के होते हैं, एक तो जिनके पास में सारी चीजें तो उपलब्ध हैं पर पढ़ता नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपका अध्ययन अनवरत रूप से चल रहा होगा। मैं आओ पढ़े चैनल में हिंदी मेंटर डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा आज आपके सामने कक्षा 10 क्षितिज बुक में चैप्टर 5, जो चैप्टर 5 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित, जिसमें दो कविताएं आपके कोर्स के अंदर है। पहली कविता का नाम है उत्साह, जो कि बादलों को संबोधित एक आह्वान गीत है, और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। मतलब जो फागुन की जो सुंदरता है, फागुन मास के अंदर जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो इतना असीम है कि अपने आप में समा नहीं रहा है, और इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। दोनों कविताओं के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो सबसे पहले हम उत्साह कविता के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कविता से पहले कवि का परिचय संक्षिप्त रूप में जानना जरूरी होता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ। निराला जी का मूल नाम सूर्य कुमार था। जब वे छोटे थे तो उनकी माताजी का देहावसान हो गया और विधिवत रूप से वो कक्षा 9वीं तक ही पढ़ पाए थे। इनका विवाह मनोहरी देवी के साथ हुआ था। इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ था, जो एक विदुषी महिला थी, और उन्हीं की प्रेरणा से इनकी जो रुचि है, इनका जो जीवन है, साहित्य और संगीत की तरफ आकृष्ट हुआ, और निराला जी का देहावसान 1961 ईस्वी में हुआ। निराला जी को सर्वाधिक प्रसिद्धि 1916 ईस्वी में उनके द्वारा एक कविता लिखी गई थी जूही की कली, उससे मिली थी। बाद में उनको मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला जी को ही माना गया था। इनकी मुख्य काव्य कृतियां के आप नाम देखो, जितनी भी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं वो निराला जी के द्वारा लिखी गई है। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुर मुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना आदि प्रमुख काव्य कृतियां निराला जी के द्वारा लिखी गई है। अब इनके द्वारा जो उत्साह कविता है उसका हम अध्ययन करेंगे। उत्साह कविता का मैं आपको एक सार समझाना चाहूंगा, उसके बाद में हम क्रमशः भावार्थ की चर्चा करेंगे। उत्साह कविता निराला जी के द्वारा लिखित बादलों को संबोधित एक आह्वान गीत है। इस कविता में बादल एक ओर पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं। निराला जी के द्वारा रचित जो प्रथम कविता है उत्साह, उसका सार मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। निराला जी की कविता उत्साह में दार्शनिकता, क्रांति, विद्रोह, प्रेम की सहजता तथा प्रकृति के विराट स्वरूप का चित्रण है। उत्साह कविता बादलों को संबोधित आह्वान गीत है। इस कविता में बादल एक ओर पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं, तो दूसरी ओर नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी बादलों को बताया है। इसके दो पद हैं, तो पहले पद का मैं वाचन प्रस्तुत करूंगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसके बाद में उसके भावार्थ की भी चर्चा की जाएगी।
उत्साह कविता का जो प्रथम काव्यांश है उसका वाचन इस प्रकार है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ललित ललित काले गुंगराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में, उर का मतलब हृदय, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अब इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों के गर्जना में नव चेतना और सृजनात्मक उत्साह का उनको स्वर सुनाई देता है। जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों की गर्जना सुनते हैं तो उसके अंदर नव चेतना और सृजनात्मक उत्साह का स्वर वो सुनते हैं। वो बादलों को गरजने का एक आह्वान करते हैं। वो कहते हैं, वो कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वे कहते हैं कि हे बादल, तुम गरज गरज के पूरे आसमान में, पूरे आभा मंडल पर छा जाओ, पूरे आकाश में छा जाओ। ललित ललित काले गुंगराले, बाल कल्पना कैसे काले। कहते हैं कि जिस प्रकार से एक शिशु होता है उसके जो बाल आए हुए होते हैं चेहरे पर लटाओं के रूप में, गुंगराले बाल आए हुए होते हैं, उसी प्रकार के बादल आसमान में, आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है तब अपन उसके अंदर अलग अलग राक्षसों की, अलग अलग व्यक्तियों की कल्पना करते हैं। पूरे आसमान के अंदर काले काले भयानक भयानक बादल आए हुए रहते हैं। तो यहाँ पर निराला जी उन बादलों के अंदर छोटे बालक के जो शिशु होता है उसके मुख पर, उसके ललाट पर जो गुंगराले बाल आए हुए होते हैं उनकी कल्पना करते हुए कहते हैं कि सुंदर काले गुंगराले केसों जैसे रूप वाले बालकों जैसे, हे बादल तुम गरजो, तुम एक कवि के समान हृदय के अंदर बिजली की चमक जैसा उत्साह से पूर्ण हो। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, कह रहे कि तुम एक कवि के समान हृदय में बिजली की एक चमक जैसे उससे पूर्ण हो। तुम संसार में नए जीवन का संचार करने वाले हो। बादलों की जो गर्जना होती है उसमें एक उत्साह का संदेश अपने आप में छिपा हुआ होता है। अपने वज्र जैसी विध्वंसक शक्ति को छिपाए रखो और मेरे हृदय में एक नई कविता को जन्म दो। जब बादल गरजते हैं तो जो पीड़ित जो लोग होते हैं, गर्मी से तृप्त लोग होते हैं, वो अपनी प्यास बादलों से बुझाते हैं, और जो कवि हृदय होते हैं वो भी लोगों के अंदर क्रांति को पैदा करने वाली कविताओं की रचना करते हैं बादलों की गर्जना के माध्यम से। ये इसका प्रथम काव्यांश है। दूसरे काव्यांश की हम चर्चा इस रूप में करते हैं। विद्यार्थियों, उत्साह कविता के द्वितीय काव्यांश के बारे में चर्चा करते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। निदाग का मतलब भीषण गर्मी। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है कि समस्त संसार में, पूरे पृथ्वी लोक में चारों तरफ भीषण गर्मी से लोग व्याकुल हैं। लोग उस गर्मी से छुटकारा पाना चाहते हैं। लोगों के मन उचटे हुए हैं, बेमन हो गए, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता है। इस गर्मी की तपन को दूर करने के लिए वो बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, इतना गरजो और इतना बरसो कि प्रतिपल बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन, जिनके मन उद्विग्न हैं, उचटे हुए हैं और बेमन हैं, सारे के सारे विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल का मतलब व्याकुल, सारे लोगों के मन हैं बड़े व्याकुल हैं, किसी काम में उनका मन नहीं लगता है, इसलिए समस्त संसार में शीत व्याप्त हो। ऐसे भीषण समय में आकाश में
आए अज्ञात दिशा के अनंत के गण, ये पंक्ति है ना, इसलिए ऐसे भीषण समय में आकाश में अज्ञात दिशा से बादल आकर के इस गर्मी से तपती हुई पृथ्वी पर बरस के उसको शीतलता प्रदान कर दो, लोगों की जो गर्मी है उसको आप दूर कर दो। हे बादलों, तुम इतना बरसो कि दुखी जन को सुख रूपी शीतलता प्रदान हो जाए। अंतिम पंक्ति, शीतल कर दो बादल गर्जो। जो पृथ्वी भीषण गर्मी के कारण गर्म हो रही है, लोगों को व्याकुल कर रही है, लोगों को तड़पा रही है, उस पृथ्वी को पर बरस करके लोगों के मन को शीतल कर दो, लोगों के मन में शीतलता प्रदान कर दो। विद्यार्थियों, अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित जो दूसरी कविता, पहली कविता उत्साह और उसके बाद में अट नहीं रही है, ये दोनों कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। अब अट नहीं रही है कविता का सार समझते हैं। पहले इस शब्द का अर्थ देखें, अट नहीं रही है। अट का मतलब होता है समाना, जैसे ग्लास के अंदर पानी डाला, ग्लास भर गई, लेकिन फिर भी अपन पानी डालते रहते हैं तो उसमें से पानी बाहर निकल जाता है, इसका मतलब पानी उस ग्लास में अट नहीं रहा है। अब यहां पर निराला जी ने फागुन मास के अंदर जो प्रकृति है उसका जो मादक रूप है, प्रकृति है उसका जो सुंदर रूप है, वो अपने आप में समा नहीं रहा है, इस रूप में इस शब्द का प्रयोग किया है। यह कविता फागुन मास के जो मादक वातावरण है उसको प्रकट करती है। कवि ने फागुन के इस मादक स्वरूप का अगणित संदर्भों में वर्णन किया है। फागुन के मादक सौंदर्य को देख करके मन स्वतः ही उल्लास से भर जाता है, मन स्वतः ही प्रसन्नता से भर जाता है। कवि को लगता है जैसे फागुन मास में ही चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य अनुपम रूप से बिखरा हुआ है। इसमें कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कर फागुन मास में चेतना के रंग को भी भर दिया है, उसको एक जीता जागता नायक के समान भी बताया है। फागुन मास जब सांस लेता है तो सांस लेने से चारों ओर प्रकृति में सुगंध फैल जाती है, और ये जब सुगंधी पंख लगा करके आकाश में फैल जाती है और वृक्षों पर नवीन पत्ते उगाते हैं, इस प्रकार प्रकृति के अंदर जो सुंदरता की राशि है वो चारों ओर प्रस्फुटित होती है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता को भावार्थ के रूप में समझते हैं, और जैसे ही मैं इसका वाचन करूंगा साथ साथ में स्क्रीन पर यह कविता भी चलती जाएगी, वाचन के पश्चात इसका आपको मैं शब्द सह भावार्थ भी समझाऊंगा। तो अट नहीं रही कविता इस रूप में है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। फागुन की सुंदरता इतनी व्यापक है कि आंख हटाने पे भी हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब इसका हम भावार्थ इस रूप में समझते हैं। तो अट नहीं रही कविता का भावार्थ समझते हैं। कवि बसंत में आने वाले फागुन की जो प्राकृतिक शोभा है, जो प्रकृति की सुंदरता है, उसका वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन मास का यह असीम प्राकृतिक सौंदर्य इतना विविध और व्यापक है कि वो आंखों में समा नहीं रहा है, आंखों के अंदर आ नहीं रहा है। फागुन की सुगंधित वायु का एक झोंका जो कि हर घर को एक सुगंध से व्यापक रूप से भर देता है, जो बासंती मस्ती का मतलब हो गया बसंत ऋतु के अंदर जो मस्ती छा जाती है, वह बासंती मस्ती में
उड़ान भरते हुए पक्षियों के कारण सारा का सारा आकाश पंखमय प्रतीत होता है। फागुनी शोभा इतनी आकर्षक है कि उससे दृष्टि हटाए नहीं हटती। जब हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो दृष्टि हटाए नहीं हटती का मतलब चिपक नहीं जाती। हम किसी भी अद्वितीय विचित्र या सुंदर चीज को देखते हैं के बाद में जब हम दूसरी जगह तीसरी जगह फिर अपनी दृष्टि घुमाते हैं तो वो ही दृश्य वहां पर पुनर्जीवित हो जाता है। तब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो प्रकृति की सुंदरता इतनी विशाल इतनी विविध और व्यापक है कि वहां से दृष्टि हटाए नहीं हटती, मतलब हमारी आंखों के सामने लंबे समय तक वह सुंदरता व्यापक रहती है। अब वो प्रकृति की सुंदरता को कह रहे हैं, इसी कड़ी के अंदर कह रहे हैं कि कहीं हरे कहीं लाल पत्तों से डालियां लदी हुई है। फागुन मास के अंदर जो कि बसंत ऋतु के अंदर आता है उसमें प्रकृति में वो जो वनस्पति है वो हरे और लाल पत्तों से डालियां पेड़ पौधों की लदी हुई है। कहीं मंद मंद गंध वाले पुष्प हैं, वो प्रकृति की सुंदरता को अद्वितीय रूप से और बढ़ा रहे हैं और वो प्रकृति में ऐसे फूल लग रहे हैं कि वो भारत जो प्रकृति माता है उसमें एक माला के रूप में उसको अद्वितीय पुष्पमाल जिस तरह से पुष्पों की माला प्रतीत होती है उस प्रकार की फागुन की सुंदरता में प्रकृति के गले में वो पुष्प हमें प्रतीत होते हैं। फागुनी प्राकृतिक शोभा ने हर स्थल को इतनी सुंदरता दे डाली है कि वो सुंदरता हमारी आंखों के अंदर समा नहीं रही है। इस प्रकार से फागुन मास के अंदर जो प्रकृति है सुंदरता की पराकाष्ठा पर होती है उसी का वर्णन यहाँ पर अट नहीं रही है कविता में किया गया है। इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर भावार्थ कवि परिचय पाठ का सार जो नीचे हमारे चैनल में लिंक दिया हुआ है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ, डाउनलोड करने से किसी के अच्छे नंबर नहीं आते हैं। वो तो केवल एक किताबी पहलवान हुआ, जिस तरह से होते हैं ना ज्ञानी दो तरीके के होते हैं, एक तो जिनके पास में सारी चीजें तो उपलब्ध है पर पढ़ता नहीं है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बार बार देख करके उसके बाद डाउनलोड की हुई सामग्री को आप पढ़ोगे तो आपके अध्यापन के अंदर सुगमता होगी, समझने के अंदर सरलता होगी, ये मेरा एक दृढ़ विश्वास है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इसी प्रकार का सहयोग प्रदान करते रहें। आगामी वीडियो के